अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ज़िंदगी में आपने बातें तो बहुत सारी की होंगी, बहुत सी कहानियाँ भी सुनाई होंगी और लोगों से सुनी भी होंगी। अरे बहुत सो को तो आपने हुल भी दिया होगा कि असल में आप क्या चीज़ हैं। पर कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो बाहर तो आना चाहते हैं पर आ नहीं पाते। जैसे कि जब मेरे घर के मुखिया मुझे मार्क्स कम आने पर डांट रहे होते थे। किसी काम के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम्हारे नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं तुम नहीं पढ़ो यहाँ पर, तुम छोड़ दो। तो मैं कुछ सहम सा जाता था, सोचता हूँ कि काश उन्हें कह देता। यार अब मुझसे नहीं होती पढ़ाई। अरे मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मतलब आपको अच्छा लगेगा कि आपका बेटा एक छोटे से घर में रहे और गाड़ी भी ना हो, बाइक हो। बस एक मौका देके देखिए। वो कही अनकही बातें। वैसे तो ये अल्फाज पहली मर्तबा मैंने कृष्णा कॉटेज में सुने थे। अरे क्या फिल्म थी यार वो भी। मगर आज सोचता हूँ तो ऐसी कितनी बातें हैं जो मैं और मुख्तलिफ इंसान दिल में दबाए बैठे हैं। अरे इतना कुछ है कहने को कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, और इसी कन्फ्यूजन में जुबान से कुछ निकलता ही नहीं। कभी कभी काम करते करते दिमाग बंद सा हो जाता है, फोन भी बजता है, लोगों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। पर मैं सिर्फ जमीन पर लेट जाता हूं और लगता है कि एक मुख्तलिफ दुनिया में पहुंच चुका हूं, जिसे कंट्रोल करना मेरे बस से बाहर होता जा रहा है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कहीं नहीं जाती पर लोग सुन लेते हैं, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप सुनके भी सुना कर देते हैं। तो बस इन्हीं बातों के बारे में आज मैं बताना जा रहा हूँ। भाई बिना हमारे सेंटी है बात। असल में हमारे भाई पैदा ही नौटंकी होते हैं। कोई भी पिक्चर देख लें तो उसमें अपने आप को इमेजिन करने लग जाते कि अगर वो हीरो होते कैसे होते। किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, उसने हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से हाँ कोई पत्थर से न मारे मेरे ढिन ढिन चक ढिन चक ढिन ढिन ढिन। मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। तू मेरी अनकही कहानी बता रहा है या अपनी अनकही ख्वाहिशात बता रहा है? निकल कर सर, मेरे को इतना छोटा दिया। ठीक तो है। वो पहली बार, वो पचासवीं बार, जितनी बार भी उसे देख वो पहली बार, वो पचासवीं बार, जितनी हटाओ यार, ये भला प्यार के मामले में कोई रट्टा लगाता है? वो पहली बार हो या वो पचासवीं बार, जितनी बार भी उसे देख लूं
अरे बोलने को कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। जब उसका दीदार होता है ना तो उसकी तारीफ शुरू कहाँ से करूँ, यही सोचने में इतना टाइम निकल जाता है कि कुछ कह ही नहीं पाता। वो अनकही बातें। अक्सर मैं अपनी मुलाकातों को उन पीरियड ड्रामों में तसव्वुर करता हूँ कि मैं उसके आंगन में छुपके से उसे देखूं, कभी वो पुराने लम्हात याद करूं, मैं सुनता रहूं और वो सारी अनकही बातें कह दे। वैसे तो हमेशा से जो भी मन में होता है किसी के लिए मैं सामने से बोल देता हूँ, पर चाहे वो माँ को प्यार का इजहार करना हो या मोहब्बत में सब कुछ कह देना। पर अब कुछ यूं है कि अल्फाजों की चापलूसी बंद हो गई है, इस फंकार को समझने वाले कम हैं इसलिए अल्फाज भी कम निकलते हैं। पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनको अनसुना या अनकहा नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सुनाना है। अगर कुछ अनकही बातें आपके जहन में हो तो बताइएगा जरूर, तो मुझे नहीं बल्कि उस इंसान को जिसको उसके सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी मदद होगी यार, और वीडियो को लाइक भी करना ताकि आपकी तरह ये और लोगों तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते। उल्टा हो गया पर मुझे ऐसी पसंद है, सेक्सी लग रहा था।